जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री महावीराय नमः जय श्री परम्पराचार गुरुवे नमः जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वासूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है और इसकी शैली जो है सूत्रात्मक है, भाषा संस्कृत है। 10 अध्यायों में आचार्य भवन ने इसे विभक्त किया गया है। इसे को महान ग्रंथ इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर अनेकों आचार्यों ने, विद्वानों ने अनेक टीकाएँ लिखीं। किसी ने भाषा वचनिका लिखी, किसी ने उसको भाष्य लिखे, किसी ने टीका लिखी। इस प्रकार से अनेक प्रकार की इसका विश्लेषण शास्त्रोक्त तरीके से अन्य अन्य विधियों के माध्यम से विद्वानों ने, आचार्यों ने या सामान्य व्यक्तियों ने किया है। हिंदी टीकाएं भी बहुत मिलती हैं, आप लोग उसे पढ़ करके अध्ययन आदि कर सकते हैं। और ये तत्वार शोध इसलिए और भी महान है क्योंकि अपना द्वादशांग का सार, जिन वाणी का जो सार, भगवान की वाणी का सार है, इसको पढ़ लेने के माध्यम से आप किसी भी ग्रंथ में प्रवेश आसानी से कर सकते हैं। 10 अध्याय इसमें विभाजित हैं, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग द्वितीय अध्याय पढ़ रहे थे, जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद, संसारी और मुक्त। उसमें भी इंद्रियों की बात चल रही थी, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। कल तक आपने ये समझा था। आगे जो 5 इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं और इसके विषय जो हैं क्या क्या हैं, इसके विषय में आज अपन सब पढ़ेंगे। 19वां और 20वां नंबर का जो सूत्र है उसका उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग, आपके घर में जिनवाणी होगी और आपने सूत्र निकाल लिया होगा, या नहीं हो तो निकाल लीजिए दूसरे अध्याय का 19वां 20वां। और इसके माध्यम से 5 इंद्री और 5 इंद्री के क्या सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे। एक बार हम उच्चारण करेंगे, दोबारा सभी आप लोग। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। एक बार पुनः देखेंगे, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। 20वां नंबर सूत्र का उच्चारण भी कर लेते हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्थः। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्थः। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने सूत्र का उच्चारण किया। अब हम सभी लोग बोर्ड के माध्यम से इसको, सूत्र को और भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। दूसरे अध्याय का 19वां नंबर सूत्र, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। यहाँ तक पढ़िए, स्पर्शन, रसन, ये जो घ्राण है यहाँ पे थोड़ा सा अपन जोर लगा के बोलेंगे तो और भी शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। रसनक घ्राण, रसनक घ्राण, जो घा का जो साउंड है नाक के साथ थोड़ा सा होगा तो और भी शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। स्पर्शन, रसनक घ्राण, चक्षु, जो ये छा जो है वो का और शा से मिलके बनता है, इसलिए अपन चा के बाद थोड़ा सा का साउंड, चक्षु, ठीक है। श्रोत्राणि, जो शा है जो शा और रा से मिलके बनता है, तो श्रोत्राणि, ठीक है, ऐसा शुद्ध उच्चारण कर लेंगे। स्पर्शन, रसनक घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, ये सूत्र का उच्चारण हुआ। स्पर्शन 1, रसना 2, घ्राण 3, चक्षु 4 और श्रोत्राणि, श्रोत 5। इस प्रकार से पूरा एक समस्त पद है, ठीक है, ये समस्त पद है। और इसलिए यहाँ पर जो विभक्ति है, यहाँ पर जो चक्षुष है,
ये शा है ना, चक्षुष शब्द था, तो शा का विसर्ग हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और स्रोत, ये क्या हो गए, पांच इंद्रियां हो गई। क्या हो गई, पांच इंद्री। नीचे नंबर सूत देख लेते हैं, 20वां नंबर, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास, सात तक लीजिए, शब्दास तदर्था, ये बहुवचन है, तदर्था, इस प्रकार से ये इसका उच्चारण है। स्पर्श प्लस रस प्लस गंध प्लस वर्ण प्लस शब्द, सा का विसर्ग हो जाएगा, शब्द, और फिर ये तत् अर्थ, तत् अर्थ, ये जो तत् है, ता का ता हो जाएगा, तत् अर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र का अपन ने उच्चारण। अब अपने जो पांच इंद्रियां हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इंद्री पांच प्रकार की यहाँ लिखा हुआ है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र, सभी के चित्र बना के दिए हुए हैं। जैसे मात्र उदाहरण के लिए स्पर्शन का हाथ बना के दिया हुआ है, वैसे तो सारी शरीर भी पूरा जो है स्पर्श ही है। ठीक है ना, तो स्पर्शन, फिर दूसरे में रसना बनाई हुई है, मुख खुला हुआ है, जिभ्या इंद्रिय बनी हुई है, वो क्या है, रसना। और घ्राण में नाक बनी हुई है, वो घ्राण। आंख बनी हुई है, वो चक्षु। और जो कर्ण बना हुआ है, वो स्रोत। इस प्रकार से ये पांच प्रकार की इंद्री का आपके पास ये चित्र बना हुआ है। पहली इंद्री है स्पर्शन इंद्री। जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो कर्म सहित हो और उसकी स्पर्शन इंद्री ना हो। ऐसा कोई भी जीव संसार में नहीं मिलेगा। यदि वह संसार में है और कर्म सहित है, अशुद्ध अवस्था में है, तो नियम से उसके स्पर्शन इंद्रिय तो होगी ही होगी, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का मतलब ही हो गया शरीर। क्या हो गया, शरीर। और बिना शरीर के कोई भी जीव जगत में नहीं होता है। जगत का मतलब सिद्धों को छोड़ करके, जो मुक्त जीव हो चुके हैं, जो सिद्ध जीव हो चुके हैं, जो शरीर रहित हो चुके हैं, उनका तो ज्ञान ही अपने आप में शरीर है। ठीक है ना, लेकिन पुद्गल प्रचय से बना हुआ जो ये पिंड है, जो स्कंद का पिंड है, ये अपना शरीर, पांच इंद्रिय जीव का, एक इंद्रिय जीव का, किसी भी जीव का जो शरीर है, वो शरीर ही अपने आप में एक स्पर्शन इंद्रिय है। तो आप सोच सकते हैं, शरीर है तो स्पर्शन इंद्रिय तो है ही है। अब पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधों को कौन सी इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय होती है। जल जीव को भी, जो जल का एक जीव है, पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक है, वायु का एक है, अग्नि का एक है, ये जो पांच प्रकार के जो जीव हैं, इनको तो नियम से स्पर्शन इंद्रिय होती ही होती है। और संसार में दो इंद्रिय हो तो भी उसको होगी स्पर्शन इंद्रिय, तीन इंद्रिय होगी तो उसको भी होगी। मतलब एक इंद्रिय से लेकर के पांच इंद्रिय तक के जीव होंगे, तो पहली जो इंद्रिया हैं वो कंपलसरी है, कंपलसरी है सभी इंद्रियों के साथ। स्पर्शन इंद्रिय कैसी है, वो कंपलसरी है, क्योंकि शरीर ही नहीं होगा तो आत्मा संसार में कैसे रहेगी। ठीक है ना, तो उसका चाहे औदारिक शरीर हो, चाहे वो वैक्रियक शरीर हो, और चाहे वो आहारक शरीर हो, उसके साथ स्पर्शन इंद्रिय अवश्य ही होती ही है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उसके पास स्पर्शन इंद्रिय ना हो। अब ये बात है कि स्पर्शन इंद्रिय जो है वो उसका स्थान क्या है, तो स्पर्शन इंद्रिय का शरीर में कोई नियत स्थान नहीं होता है, सर्वांग शरीर ही स्पर्शन इंद्रिय होती है। अपना जो हाथ है ये भी स्पर्शन इंद्रिय है, यहाँ तक कि शेष जो चार इंद्रिय हैं वो स्पर्शन इंद्रिय के आधार पर ही हैं। किसके आधार पर है, स्पर्शन इंद्रिय के आधार पर ही हैं। जैसे रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय में जब स्पर्श होगा कोई वस्तु का तो ही आपको ज्ञान होगा ना, तो पहले तो स्पर्श हुआ तो स्पर्शन इंद्रिय ने ज्ञान कराया कि कुछ वस्तु आई है, और रसना इंद्रिय से पता चला कि यह खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसायला है आदि। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सर्व इंद्रियों में पाया जाता है, सभी इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय पाई ही जाती है, यह इसका इतना विशाल विस्तार रूप है।
अब जैसे पेड़ पौधे हैं वो स्पर्शन इंद्रिय से ही तो समझ जाते हैं अपने सुख दुख का कारण, अपने स्पर्श इंद्रिय समझ जाते हैं। माली पानी देने आता है तो स्पर्शन इंद्रिय के उससे वह समझ जाते हैं कि अब मेरे लिए भोजन आ रहा है। और कोई उस पेड़ को काटने आता है तो वह समझ जाते हैं कोई मुझे मारने आ रहा है। तो इस प्रकार का भय रूप सुख रूप जो भी उनको परिणाम होते हैं वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम उसमें कारण बनती है। तो पूरा जो पेड़ का शरीर है वो स्पर्शन इंद्रिय रूप होता है, ठीक है ना। तो स्पर्शन इंद्रिय समझ में आ गया आपको पहले, कि पहले इंद्रिय जो है शरीर ही स्पर्शन इंद्रिय है, इसलिए उसका कोई नियत स्थान तो हो ही नहीं सकता है। जैसे आँख का तो नियत स्थान भी आँख यहाँ पर ही है, ठीक है ना, और कान यहीं पर है तो इसका नियत स्थान है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का पूरा सर्वांग शरीर है। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है तो कौन सी इंद्रिय के माध्यम से आपको ज्ञान होगा, कौन सी इंद्रिय के माध्यम से, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। वहां पर जो हलन चलन हुई वहां के आत्म प्रदेश, क्योंकि स्पर्शन सर्वांग में है तो वहां के आत्म प्रदेश के माध्यम से आत्मा को क्या हुआ, ज्ञान हुआ कि यहाँ हलन चलन है। अब रागी आत्मा होगी तो दुखी होगी, और बीत रागी आत्मा होगी तो उसे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके हलन चलन आदि से, उसकी विकृति से, शरीर आदि की। तो इस प्रकार से हमारे सिर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, तो ये सारी जो दर्द की हमें जो ज्ञान होता है ये सारा का सारा किससे होता है, स्पर्शन इंद्रिय से होता है। हमारे शरीर में कुछ चल रहा हो, चींटी चल रही हो, मच्छर आके बैठा हो और वो काट रहा है तो कौन से इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, स्पर्शन इंद्रिय से। तो आपने देखा स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से कितना ज्ञान आपके लिए होता है, ठीक है ना। तो सर्वांग जो पाई जाती है वो स्पर्शन इंद्रिय है। नमस्ते आचार्य पुंग, मेरा प्रश्न ये है, पहली इंद्रिय से दूसरी और जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं उनके आकार में छोटापन सूक्ष्मता आती रहती है, इसका कारण क्या है? पांच प्रकार की जो इंद्रियां हैं आपने उनके आकार की चर्चा करी, तो पहले थोड़ा सा आकार के बारे में बता दें। स्पर्शन जो इंद्रिय है वो तो उसका कोई नियत आकार नहीं है, ठीक है ना। रसना इंद्रिय जो है जैसे गाय का जो खुर है उसकी तरह रसना इंद्रिय का आकार, अथवा अर्धचंद्राकार जो रसना इंद्रिय का आकार है। तो स्पर्शन इंद्रिय तो बहुत बड़ी थी पूरे सर्वांग में, पर उस स्पर्शन इंद्रिय की अपेक्षा छोटी रसना इंद्रिय हुई, जो खुर की तरह, गाय की खुर की तरह, जैसे गाय का खुर होता है ना ऐसे जाके ऐसा होता है, तो इस प्रकार गाय की खुर की तरह वो रसना इंद्रिय का या अर्ध चंद्रमा के समान। रसना इंद्रिय के बाद घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय जो है तिल के फूल, तिल का फूल आपने देखा होगा वो सामने से बहुत खुला होता है ला करके छोटा हो जाता है, तो वो तिल का फूल का जो आकार है वैसे ही घ्राण इंद्रिय, देखो ऊपर से बड़ी है फिर अंदर जाकर के वो सक्रिय हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो तिल के फूल की तरह तो रसना इंद्रिय से भी छोटी क्या है, घ्राण इंद्रिय का आकार है। और घ्राण इंद्रिय के बाद अपन ने चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय का कैसे आकार दिया है, मसूर का जो दाना होता है लंब गोल, लंब गोल मतलब क्या है, थोड़ा तो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, ऐसे मसूर की दाने की तरह, जितनी बड़ी आँख दिख रही ना इतना बड़ा आँख को मतलब नहीं है, जो छोटा सा मसूर के दाने की तरह होता है वो चक्षु इंद्रिय का आकार होता है, तो उससे भी और छोटा हुआ। कर्ण इंद्रिय में इस प्रकार से नहीं है, कर्ण इंद्रिय थोड़ा सा डिफरेंट है, जौ की नाली, ये जैसे अपने कान हुआ एक कान, तो एक नाली जा रही है यहाँ से मतलब बीच से नाली जा रही है, वो नाली जो है जौ की नाली की तरह, ठीक, ये तो उपकरण है जो अपन दिख रहा अपन को, उपकरण है जो जौ की नाली जा रही है वो आकार। तो इस प्रकार से अपन ने देखा स्पर्शन से छोटी रसना, रसना छोटी घ्राण, घ्राण छोटी चक्षु, और फिर ये जौ, तो ये जो आकार जो है छोटे छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन इसमें शक्ति जो है जानने की जो शक्ति इसके निमित्त से जो आत्मा प्रकट होने वाली है वो ज्यादा ज्यादा है, ठीक है, विशेष विशेष रूप से है। जैसे कि स्कंद और एटम परमाणु, तो शक्ति किस में ज्यादा है, परमाणु में ज्यादा शक्ति है, स्कंद से ज्यादा भी शक्ति परमाणु में अधिक होती है, तो इनमें क्या है
स्कंद तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन इनमें जो परमाणुओं की शक्ति है वो ज्यादा होने के कारण यह आकार छोटे भी होते गए, पर इनके कार्य बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसको ये अपन आकार की अपेक्षा से सूक्ष्म छोटे, लेकिन जानने की अपेक्षा शक्ति इसकी ज्यादा निमित्त बनती है आत्मा के ज्ञान के प्रकटता में। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय के बारे में समझा, और अब रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय जो है वह जो उसका जो कार है, खट्टा मीठा अधिकार तो है ही है, जो आगे सूत्र में पता चलेगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्पर्शन के बाद रसना इंद्रिय होती है, घ्राण इंद्रिय नहीं होती है, ठीक है ना। स्पर्शन के बाद कौन सी इंद्रिय होगी? घ्राण। यदि किसी को दो इंद्रिय है तो कितनी कौन सी इंद्रिय होगी? एक काम करो, एक स्पर्श ले लो और एक चक्षु ले लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। कोई कर्ण ले ले तो ऐसा भी नहीं चलेगा। क्रम से इंद्रियां कैसे होती हैं? क्रम से होती हैं। एक इंद्रिय होगी तो मात्र स्पर्शन होगी, और दो होंगी तो कितनी होंगी? स्पर्शन और रसना, ये दो इंद्रियां दिखाई देंगी। क्योंकि इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमको मिलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है तभी बात चल रही है। जैसे स्पर्शन रसना घ्राण तीन इंद्रियां हैं, तो स्पर्शन रसना घ्राण उसके साथ होगी। जैसे अपन चींटी वगैरह आदि को देखो तो उनमें क्या है? घ्राण इंद्रिय है, रसना इंद्रिय भी है, स्पर्श इंद्रिय है, उनमें स्रोत इंद्रिय नहीं है, उनमें चक्षु इंद्रिय नहीं है, इसलिए वो किसी भी जाके टकरा जाती है, ठीक है ना, फिर रास्ता मोड़ लेते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमको दिखाई दे रहा है जीवों में कि वो क्रम क्रम से ही इस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं। तो रसना इंद्रिय का भी अपना नियत स्थान है, जैसे ये अपना ये स्वर अंतर है और ये जिभ्या है, तो जो जिभ्या जो है, तो वो जिभ्या जो बनी हुई चंद्राकार जो है उसे अपन रसना इंद्रिय कहते हैं, ठीक है ना। वो उस इंद्रिय का नियत स्थान है। अब उसको निकाल के कोई यहाँ बना दे तो बना नहीं सकता, और बना दे तो रसों का स्वाद का ज्ञान नहीं हो सकता। जो उसके रस का स्वाद का ज्ञान है, उसके निमित्त से जो होता है आत्मा को, वो ज्ञान उसको नहीं हो पाएगा। इसलिए रसना इंद्रिय जहाँ बनी हुई है नियत स्थान पर, वही उसका नियत स्थान होता है। उसका जो निर्माण कर्म जो का उदय है, जो उसका स्वस्थान निर्माण कर्म है, वो वहीं पर ही बनती है, अन्य स्थानों पर नहीं। जैसे अब ये जैसे बोलते घ्राण है, नाक है। अब नाक को बोलते कोई निकाल करके कहीं और लगा दे, सूर्यंत्र से जोड़ दे, तो उसका ऑक्सीजन तो बढ़ जाएगा। जैसे कोई का ऑक्सीजन यहाँ से दे देते हैं, गले से ऑक्सीजन दे देते हैं, नाक से किसी को ऑक्सीजन लेने दिक्कत जा रही है तो गले आदि से भी ऑक्सीजन दी जाती है, चली जाती है ऑक्सीजन, चली जाएगी। लेकिन जो घ्राण इंद्रिय का काम है सुगंध दुर्गंध, वो काम इससे नहीं हो पाएगा। वो सोचे कि यहाँ से मैं सुगंध ले लूँ, यहाँ से मैं दुर्गंध ले लूँ, जो मैंने पाइप डाला है ऑक्सीजन के लिए, तो वो काम नहीं हो सकता। तो जहाँ पर उसका घ्राण इंद्रिय का अंदर आत्मा के प्रदेशों की रचना होना, उतने स्थान पर घ्राण इंद्रिय का आदि वो वहाँ पर बने हुए हैं, और तुम नाक बना रहे हैं यहाँ पर द्रव इंद्रिय का, तो क्या होगा? वो आत्मा को उस रूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना आपको? ऐसे ही चक्षु इंद्रिय चौथे नंबर में क्या है? चक्षु इंद्रिय, अपने निर्माण यहाँ हुआ है चक्षु इंद्रिय का। अपन कोई साइंटिस्ट बोले कि हम यहाँ से निकाल के चक्षु को यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, अब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगाने में क्या प्रॉब्लम, ऑपरेशन होना है। लेकिन जो आत्मा के प्रदेश जो वहाँ पर उघाड़ रूप से हैं, जो आत्मा की शक्ति प्रकट है, वो प्रदेश यहाँ पर नहीं आ जाएंगे। इसलिए आँख खुली तो रहेगी, बंद खुल भी जाएगी, लेकिन वह आपको काला नीला पीला का ज्ञान कराए, ये हो नहीं सकता है। तो आत्मा के प्रदेश भी तो इंद्रिय कारण नियत हो जाते हैं ना, और उस नियत प्रदेश से ही सर्वांग आत्मा में ज्ञान होता है। आप सोचो कि जो चक्षु इंद्रिय के जो प्रदेश बने हुए हैं आत्मा के, सिर्फ उतने ही प्रदेश को ज्ञान होता है, वो तो निमित्त है। वो क्या है? वो माध्यम है। वहां के माध्यम से पूरे आत्मा में ही उसी समय क्या हो जाता है? उस वस्तु का या उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। तो चक्षु इंद्री जो चौथी नंबर जो चक्षु इंद्री है, उसका भी एक नियत स्थान है। स्पर्शन इंद्री का कोई नियत स्थान नहीं है, जिभ्या इंद्री का नियत स्थान है, वहां आत्मा के प्रदेश का आकार भी उसी रूप है। घ्राण इंद्रिय का भी नियत स्थान है और आत्मा के प्रदेश का वहां पर आकार बना हुआ है। ऐसी चक्षु इंद्रिय है, उसका भी नियत स्थान है और वहां भी उसके आत्मा के प्रदेश का आकार बना हुआ है। और इसी प्रकार से कर्ण इंद्रिय अपनी यहाँ बनी हुई है।
आप कोई सोचे इस कर्ण इंद्रिय को निकाल के हम कहीं और बना दें तो आप बना दीजिए, पर सुनने का काम नहीं होगा, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों का जो आकार वहां पर है और जो कर्मों का क्षयोपशम होकर के वो लब्धि शक्ति प्रकट हो रही है, जिसके माध्यम से आत्मा सारे गामा पाधानी शब्द जो सडज जो शब्द हैं, धैवत हैं, निषाद हैं, मध्यम हैं, पंचम स्वर हैं, ये सारे स्वरों का जो ज्ञान आत्मा को हो रहा है वो ज्ञान उसका फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कर्ण इंद्रिय भी अपने नियत स्थान को प्रकट होती है। पहली दूसरी बात यह है कि इंद्रियां क्रम से होती हैं, किसी को चार इंद्रिय हैं तो कौन कौन सी इंद्रिय होंगी, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, यही क्रम से होंगी, चक्षु छोड़ के उसको कर्ण हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार से यहाँ पर ये पांचों इंद्रिय का ये अपना संक्षिप्त रूप से ये स्वरूप रहा। मस्तु आचार्य जी, कोई मनुष्य है उसको आंखों से दिखाई नहीं देता, क्या वो चार इंद्री कहलाएगा या पांच इंद्री कहलाएगा? किसी को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है वो मनुष्य है, तो नियम से मनुष्य तो पांच इंद्रिय ही होता है। अब आंख से नहीं दिखाई देना यह तो उसके उपकरण में कमी है, ठीक है ना, उपकरण तो बना हुआ है, द्रव इंद्रिय तो बनी हुई है और उसकी हो सकता छवोसम लब्धि भी जानने की शक्ति उसकी प्रकट हो, लेकिन उपकरण खराब होने से क्या बोलते कि वह व्यक्ति अंध तो कहलाएगा, नेत्रहीन तो कहलाएगा, पर नेत्र ही नहीं है ऐसा नहीं कहलाएगा, अथवा वह पांच इंद्री जीव ही कहलाएगा, वो चार इंद्री आदि जीव नहीं होगा। ऐसे अन्य इंद्रियों में भी लगा लेना, जैसे मान लो किसी को कान से सुनाई नहीं देता है और कान की संरचना बनी हुई है, तो वो फिर कितनी इंद्री कहलाएगा, तो वो भी पांच इंद्री ही जीव कहलाएगा, उसकी संरचना बनी होना जरूरी है, उसकी रचना बनी हुई है, उपकरण बने हुए हैं, अब उस उपकरण का उसका जो कर्म की जो संरचना में कुछ कमी हो गई होगी जिसके कारण वह कार्य नहीं कर रहा है, तो वस्तु है और उसका कार्य नहीं हो पा रहा है तो उसका अभाव उसका नहीं मान सकते हैं, वो वस्तु तो उसकी मानी जाएगी। इस प्रकार से कर्ण इंद्रिय काम न करे, और किसी को घ्राण इंद्रिय है, अभी किसी को कोरोना हो जाए और स्मेल ना आए तो वो लोग क्या बोलते, घ्राण इंद्रिय है या नहीं है, तो घ्राण इंद्रिय तो है पर उसको स्मेल का उपयोग उसका नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार से उसकी पांचों इंद्रिय ही अपन को मानना है। कोई इंद्रिय की कमी हो सकती है, किसी की उत्कृष्ट भी हो सकती है और ज्यादा भी जान सकता है, देख सकता है, तो इस प्रकार से हम व्यवस्था इस प्रकार से लागू करेंगे, संरचना होने के कारण वो उस इंद्रिय रूप ही कहलाएगा। नमस्तु आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि देखा गया है जो जन्मांध है, जिनके चक्षु चक्षु कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके अन्य इंद्रियां जो शेष चार इंद्रियां हैं उनका उपयोग ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका कारण कृपा समाधान कीजिए। पांच इंद्रिय जीव है और जन्म से जन्मांत है, दिखता नहीं है, पर उसको घ्राण इंद्रिय की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है, सूंघने से वो वस्तुओं को जान लेता है, व्यक्ति को जान लेता है, पहचान लेता है, या कर्ण इंद्रिय के आहट में ही कुछ बचन जान लेता है, कौन व्यक्ति आया कौन व्यक्ति नहीं आया, वो छूकर ही जान लेता है कि ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, नोट आदि को भी जान लेता है, तो हमारा जो उपयोग है, उपयोग जिस इंद्रिय की ओर ज़्यादा झुकाव हो जाता है वो इंद्रिय उस रूप ज़्यादा कार्य करने लगती है, तो हमारा जो विश जो पूरी की पूरी आत्मा की जो शक्ति है हम अन्य इंद्रियों की ओर लगा दें। आप अभी भी आप पांच इंद्रिय में से किसी एक इंद्रिय की ओर आप शक्ति लगा दीजिए ध्यान से, ध्यान के माध्यम से, तो आपकी सारी की सारी शक्ति का जो ओघाड़ है वो उस उपयोग रूप चला जाता है। तो ऐसे जन्मान व्यक्ति है उसको दिख नहीं रहा है तो अपनी शक्ति वो घ्राण में लगाता है, अपनी शक्ति वो कर्ण में लगाता है, तो आत्मा का उसका क्षयोपशम तो जागृत है ही है, उसकी लब्धि तो प्रकट है ही है, और लब्धि है और क्षयोपशम भी अच्छा उसका हो स्ट्रांग हो जाता है, तो जिसके माध्यम से वो उपयोग जिसमें ज्यादा लगाता है उसको वह इंद्रिय का कार्य ज्यादा दिखाई देता है। तो अपन ये कह सकते, अपन ये नहीं कह सकते कि आंख वाला जो क्षयोपशम ज्यादा वो घ्राण में चला गया हो कर्ण में चला गया हो, ऐसा नहीं है, हमारा उपयोग कितनी तल्लीनता से किस इंद्रिय में लग रहा है उसके कारण अन्य इंद्रियां जो हैं उसके अच्छे से और कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। इस प्रकार से यह आपका समाधान हुआ, और आज
हम सभी लोगों ने पांच इंद्रियों के बारे में पढ़ा, उसके किसको क्या इंद्रियां हो सकती हैं उसके बारे में भी जाना। अब इसके जो सब्जेक्ट हैं, इसके जो विषय हैं, स्पर्शन इंद्रिय का क्या विषय है, ऐसे पांचों इंद्रियों के क्या विषय हैं, इसको अपन कल की क्लास में जानेंगे, देखेंगे। संगीता जैन मॉल टाउन, आपका ये शंका है कि बृहत शांति धाराएं महिलाएं पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं, नहीं पढ़ सकती हैं तो फिर कौन पढ़ सकते हैं? देखिए, वैसे तो जो मंत्र वेत्ता होते हैं, जो मंत्र के ज्ञाता होते हैं और जो इसका शुद्ध उच्चारण करते हैं, वही इसका शांति धारा आदि का उच्चारण करते हैं। जैसे आचार्य हो गए, मंत्र वेत्ता में प्रतिष्ठाचार हो गए और जो शास्त्री हो गए, वो इनका शुद्ध उच्चारण आदि कर सकते हैं और वो शांति धारा पढ़ सकते हैं। लेकिन उनको एक बात जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वहाँ पर स्व शिष्य और पर शिष्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः ये शब्द जब आता है, तो उसकी जगह वह स्व परिवार पर परिवार वर्गः प्रसिद्धन्तु नः बोलें कि हमारा परिवार और सबका परिवार सुखी रहे और प्रसन्न हो, भगवान आप प्रसन्न करो इस प्रकार से। क्योंकि और आचार्य बोलते हैं तो वहाँ पे स्व शिष्य वर्गः पर शिष्य वर्गः, आचार्य लोग वहाँ पर अपने शिष्य और दूसरों के शिष्य को हे प्रभु आप प्रसन्न करो ऐसा उच्चारण वहाँ पर करते हैं। और किसी आपके सामान्य गृहस्थ के तो क्या बोलते कि शिष्य होते नहीं हैं, तो आप इसका उच्चारण वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर अधिकार यह प्राप्त नहीं है, बृहत शांति धारा में आपको पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मंत्र वेत्ता लोग और ज्ञाता लोग, प्रतिष्ठाचार लोग और आचार्य लोग, भट्टारक लोग इसका उच्चारण करके शांति धारा आदि कर सकते हैं। महिलाएं पढ़ सकती हैं, पुरुष पढ़ सकती हैं, इसमें ऐसी कोई दुविधा नहीं है कि महिलाएं अशुद्ध हैं, पुरुष बहुत शुद्ध हैं, ऐसा यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि महिलाएं ना पढ़ें और पुरुष पढ़ें। मैंने आपसे यही कहा, यदि आप मंत्र के वेत्ता हैं, आप मंत्र के ज्ञाता हैं और आपने गुरु मुख से यदि मंत्रों का ज्ञान सीखा है और जानना है और शुद्ध उच्चारण किया है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अच्छा होगा आप आचार्य के मुख से, गुरु के मुख से, यदि आपके मंदिर में कोई आचार्य हो गुरु हो तो उनके मुख से भी पढ़ना चाहिए। पहला आप शुद्धोच्चारण करें, मंत्रों की साधना करें और फिर आप भावपूर्वक उसे पढ़ें। लेकिन कहाँ कौन सा शब्द बोलना है और कौन से शब्द में कहाँ बदलना है, इसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। वर्तमान में इसको किसी को ज्ञान नहीं है और सब पूरे जो लिखा है उसको पढ़ते रहते हैं, स्व शिष्य वर्गः पर शिष्य वर्गः। जब आपके शिष्य और प्रशिष्य है ही नहीं है तो आप वहाँ बोलने के अधिकारी भी नहीं होते हैं। वैसे तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, त्यागी, व्रती, मुनि आदि, प्रतिष्ठाचार इसको बोलें तो यह बहुत ही लाभकारी और आनंदकारी होगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकारोग, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोग। हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को मंगल आशीर्वाद। नमस्कार।